द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द बेस्ट ऑफर। ये कहानी है 70 साल के वर्जिल ओल्डमैन की, जो कि एक ऑक्शन कंपनी चलाते हैं जिसमें सिर्फ एंटिक चीजों की ही ऑक्शन हुआ करती थी। और बात करें वर्जिल के बारे में तो वर्जिल पूरे शहर में बहुत ही इज्जतदार और जाने माने लोगों में से एक रहते हैं और अपने हर काम को परफेक्शन के साथ करने के शौकीन रहते हैं। पर कहते हैं ना, हर इंसान में कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी रहती है, तो वर्जिल के साथ भी कुछ ऐसा ही रहता है। दरअसल उन्हें एंटिक पेंटिंग्स का बहुत शौक रहता है, जिसके लिए वो ऑक्शन में थोड़ी बहुत बेईमानी किया करते थे। वर्जिल ऑक्शन में बिकने वाली पेंटिंग्स को अंडर प्राइस कर देते थे और ऑक्शन में अपने एक दोस्त बिली को बोली लगाने वालों में बैठा देते थे, जिसके बाद बिली वर्जिल के लिए बोली लगाता था और उन पेंटिंग्स को अपने नाम पर खरीद कर वर्जिल को वापस दे देता था। जिसके बाद वर्जिल उन पेंटिंग्स को अपने एक सीक्रेट रूम में ले जाकर सजा देते थे और वक्त वक्त पर अपना मन बहलाने के लिए उन्हें देखा करते थे। दरअसल उनके ऐसा करने की एक खास वजह यह भी रहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारते आए थे। उनके पास पैसे तो बहुत थे, पर उनके अंदर के अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई नहीं था। पर एक दिन वर्जिल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी और ये उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। एक दिन जब वर्जिल अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तब उन्हें एक लड़की का कॉल आता है जिसका नाम क्लेयर रहता है और वो वर्जिल से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार उसके घर आए, क्योंकि उसके घर में बहुत सारी एंटिक चीजें पड़ी हुई है जिसे उसे बेचना है। क्लेयर की बात सुनकर वर्जिल पहले तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पर क्लेयर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसके घर आने के लिए मान जाते हैं। और जब वर्जिल क्लेयर के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्लेयर का घर एक बहुत पुराना मेंशन रहता है और उसका गेट लॉक रहता है और उन्हें रिसीव करने कोई नहीं आता, जिससे वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से वापस लौट आते हैं। पर अगले दिन वर्जिल को फिर से क्लेयर का कॉल आता है और वो उनसे माफी मांगती है कि वो नहीं आ पाई। पर वर्जिल अपनी बातों के बहुत पक्के रहते हैं, जिस वजह से वो क्लेयर को डांट देते हैं, ये कहकर कि उन्हें वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। वर्जिल के डांटने पर क्लेयर रोने लगती है और उन्हें बताती है कि वो इसीलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि रास्ते में आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। क्लेयर की बात सुनकर वर्जिल शांत हो जाते हैं और उसे एक और मौका देने का डिसाइड करते हैं। पर जब वो वापस क्लेयर के मेंशन में जाते हैं तो इस बार भी क्लेयर उनसे मिलने नहीं आती और खुद के बदले अपने केयर टेकर फ्रेड को भेजती है वर्जिल को रिसीव करने, जिससे वर्जिल वापस से बुरा मान जाते हैं। पर वो क्लेयर के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं जब उन्हें मेंशन में घूमते वक्त एक बहुत पुराना मशीन का टुकड़ा मिलता है। वर्जिल उस टुकड़े को बिना किसी को बताए उठा लेते हैं और उसे अपने पहचान वाले एक मैकेनिक रॉबर्ट के पास लेकर आ जाते हैं, जहां रॉबर्ट उस टुकड़े को देखकर वर्जिल से ये कहता है कि वो फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो टुकड़ा क्या है, पर वो उन्हें ये गारंटी देता है कि अगर वो बाकी टुकड़ों को भी उसके पास ले आएंगे तो वो पूरी मशीन को वापस से बना सकता है। रॉबर्ट की बात सुनकर वर्जिल बाकी टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वापस से क्लेयर के मेंशन में रेगुलर जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी अपने उसूलों के पक्के होने के कारण वर्जिल को ये बात खटक रही होती है कि जिस इंसान से वो डील कर रहे हैं वो अभी तक उनसे नहीं मिला है। पर इसी दौरान वर्जिल जब एक दिन मेंशन में वहां के सारे सामानों को चेक कर रहे होते हैं, तब उन्हें क्लेयर का कॉल आता है, जिससे उन्हें क्लेयर के बैकग्राउंड आवाज से पता चल जाता है कि क्लेयर पूरे टाइम घर में ही मौजूद थी। जिसके बाद वो क्लेयर को पता चले बिना उसकी आवाज का पीछा करते हैं और उस सीक्रेट डोर के बाहर तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर क्लेयर मौजूद रहती है। और इतना बड़ा सच उनसे छिपाने के लिए वर्जिल क्लेयर पर गुस्सा करने लगते हैं, तो दरवाजे के पीछे से क्लेयर भी अचानक चिल्लाने लगती है और अपना राज खुलने की वजह से वो वर्जिल से कहती है कि अब उसे भी उनके साथ कोई डील नहीं करना है। जिसके बाद क्लेयर की इस बदतमीजी के लिए वर्जिल भी नाराज हो जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। पर कुछ टाइम के बाद उन्हें क्लेयर की मिस्ट्री परेशान करने लगती है और वो ये जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं कि दरवाजे के पीछे कौन है, और इसके लिए वर्जिल क्लेयर के केयर टेकर फ्रेड को कुछ पैसे देते हैं। पर फ्रेड उनसे कहता है कि वो उनकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद क्लेयर को कभी सामने से नहीं देखा है। फ्रेड की बात सुनकर वर्जिल क्लेयर को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, जिसके बाद वो हर रोज क्लेयर के मेंशन के सामने एक रेस्टोरेंट में जाकर टी ऑर्डर करते हैं और बिना उसे पिए क्लेयर के मेंशन की तरफ देखते रहते हैं। इसी दौरान वर्जिल की नजर उस रेस्टोरेंट में मौजूद एक लड़की पर पड़ती है जो फिजिकली डिसेबल रहती है और हर वक्त कुछ नंबर्स बोलती रहती है और पूरे टाइम मेंशन को घूरते रहती है। इसके कुछ वक्त बाद वर्जिल को क्लेयर का फिर से कॉल आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाती है, और जब वर्जिल वहां जाते हैं तब क्लेयर वर्जिल को अपने डोर के पास बिठा देती है और उन्हें बताती है कि उसे एक फोबिया है जिससे वो जब भी इंसानों के सामने या उनके करीब जाती है तो वो पैनिक करने लगती है और डर कर बेहोश हो जाती है। क्लेयर की बात सुनकर वर्जिल उसे कहते हैं कि वो उसे समझ सकते हैं क्योंकि उनकी भी उससे मिलती जुलती एक आदत है, और वो ये कि वो बिना अपने ग्लव्स के बाहर नहीं निकलते क्योंकि उन्हें हर चीज में गंदगी दिखती है। क्लेयर से बात करने के बाद वर्जिल क्लेयर को और जानने के लिए और क्यूरियस हो जाते हैं, जिसके बाद वर्जिल रॉबर्ट के पास जाते हैं और उससे एडवाइस मांगते हैं लड़कियों को और बेहतर तरीके से समझने का। पर वर्जिल शर्म के मारे रॉबर्ट को ये नहीं बताते कि वो ये सब अपने लिए पूछ रहे हैं, पर बाद में रॉबर्ट खुद समझ जाता है कि वर्जिल अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसके बाद वर्जिल भी बेफिक्र होकर रॉबर्ट से सारी बातें शेयर करने लगते हैं और इसके बाद वो क्लेयर के करीब आने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगते हैं। पर इसी तरह जब बहुत दिन बीत जाता है तब वर्जिल से रहा नहीं जाता और वो क्लेयर का असली चेहरा देखने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए जब वो क्लेयर से बात करने जाते हैं तब वहां से वापस आते वक्त वो दरवाजा बंद करने का दिखावा करते हैं और एक स्टैचू के पीछे जाकर छिप जाते हैं,
इसके बाद जब क्लेयर को लगता है कि वर्जिल वहां से जा चुके हैं, तब वो अपने रूम से बाहर निकलती है और वर्जिल बस उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि क्लेयर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहती है। जिसके बाद फाइनली क्लेयर को देखने के बाद वर्जिल और भी ज्यादा क्लेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद उनका मन फिर से क्लेयर को देखने का करता है, जिसके लिए वो फिर से पिछली बार की तरह इस बार भी स्टैचू के पीछे जाकर छिप जाते हैं। पर इस बार उनसे एक गलती हो जाती है, वो क्लेयर को देखने में इतना खो जाते हैं जिस वजह से उनका फोन उनके हाथों से गिर जाता है, जिससे क्लेयर डरकर अपने रूम में भाग जाती है और खुद को लॉक कर लेती है, जिसके बाद वर्जिल भी वहां से जल्दी जल्दी भागते हैं। पर तभी उन्हें क्लेयर का कॉल आता है और वो उन्हें जल्दी से अपने पास आने को कहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि उसके घर में कोई है। दरअसल क्लेयर को पता नहीं रहता कि वर्जिल ही उसे छिपकर देख रहे थे। इधर क्लेयर के कॉल करते ही वर्जिल वापस दौड़कर क्लेयर के पास जाते हैं और उन्हें क्लेयर को शांत करने के लिए सच्चाई बतानी पड़ती है कि वो इंसान वही थे जो छिपकर उसे देख रहे थे। जिसके बाद क्लेयर वर्जिल के इस गलती के लिए उन्हें वहां से चले जाने को कहती है, पर जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं, क्लेयर अपने रूम से निकलकर पहली बार बाहर आती है और उन्हें जाने से रोक लेती है। और इस पल के बाद से अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वर्जिल क्लेयर के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर जाते हैं और उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। पर उनके इन सभी हरकतों की वजह से क्लेयर को गलतफहमी हो जाती है कि वर्जिल उसे धीरे धीरे मेंशन के बाहर ले जाने का प्लान बना रहे हैं। जिसके बाद क्लेयर अचानक बिना किसी को बताए कहीं गायब हो जाती है और जब वर्जिल मेंशन आते हैं और वहां क्लेयर को गायब देखते हैं तो घबरा जाते हैं और पागलों की तरह क्लेयर को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। और इन सब चक्कर में वर्जिल ये भी भूल जाते हैं कि उनकी एक और लाइफ है। तभी वर्जिल को उनके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि आज उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्शन था जिसे उन्हें किसी भी हाल में अटेंड करना था, वरना उनके सारे खरीदार नाराज हो जाएंगे। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर वर्जिल घबराए हुए ऑक्शन को पूरा करने आते हैं, पर उनका ध्यान कहीं और होने की वजह से वो ठीक तरह से कुछ बोल नहीं पाते, जिससे सभी के सामने उनका मजाक बन जाता है। पर अब वर्जिल क्लेयर में इतना खो चुके होते हैं कि उन्हें इन सब चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उन्हें बस हर वक्त क्लेयर की ही फिक्र हो रही होती है और तभी उन्हें याद आता है कि क्लेयर ने उन्हें बातों बातों में मेंशन के एक और सीक्रेट रूम के बारे में बताया था। जिसके बाद वो तुरंत फ्रेड के साथ मेंशन में उस सीक्रेट रूम को ढूंढने में लग जाते हैं और उनका अंदाजा बिल्कुल सही होता है। उस सीक्रेट रूम के मिलते हैं क्लेयर भी उन्हें वहां मिल जाती है, पर वो बहुत डरी हुई रहती है। जिसके बाद वर्जिल क्लेयर से बात करते हैं और उसे समझाकर अपने साथ ऊपर लेकर जाते हैं और दोनों में वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। पर एक दिन जब रात को वर्जिल क्लेयर से मिलने आ रहे होते हैं, तभी मेंशन के बाहर कुछ लोकल गुंडे उनके पैसे छीनने के लिए उन्हें बहुत मारते हैं और पैसे लेकर उन्हें जख्मी हालत में वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। और ये सब कुछ वो रेस्टोरेंट वाली लड़की भी देख लेती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। इधर तब तक वर्जिल भी किसी तरह क्लेयर को कॉल कर देते हैं, जिसके बाद क्लेयर मेंशन से वर्जिल को बीच सड़क पर पड़ा देख लेती है और पहली बार मेंशन से निकलकर बाहर आती है और उन्हें बचाने के लिए उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। और इन सभी चीजों में एक चीज अच्छी होती है कि अब क्लेयर के लोगों के सामने आने का डर खत्म हो जाता है। जिसके बाद क्लेयर आम लड़की की तरह वर्जिल के साथ डिनर पर जाती है और वहां रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर डिनर करती है। और इसी खुशी में वर्जिल भी ये अनाउंस करते हैं कि वो अब अपने काम से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ताकि वो क्लेयर के साथ और भी ज्यादा वक्त बिता पाए। पर इससे पहले वो अपनी जिंदगी की आखिरी ऑक्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वर्जिल की बात सुनकर सभी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वर्जिल जाने से पहले क्लेयर को अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं और उसे अपनी कलेक्ट की हुई सारी पेंटिंग्स दिखाते हैं और उसे अपने आज तक अकेले होने की वजह बताते हैं। और वो वजह ये रहती है कि उन्हें क्लेयर से पहले आज तक उन पेंटिंग से खूबसूरत लड़की नहीं मिली थी और उन्होंने इसी इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी कि वो तभी किसी लड़की को अपनाएंगे जब उन्हें उन पेंटिंग से ज्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी। इसके बाद वर्जिल खुशी खुशी अपने आखिरी ऑक्शन में जाते हैं और इज्जत के साथ अपने काम से रिटायरमेंट लेते हैं। पर जब वो वापस घर लौटते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो देखते हैं कि क्लेयर वहां से गायब है और उसके साथ उनकी सारी पेंटिंग्स भी। और वहां उन्हें वो खिलौना मिलता है जिसके टुकड़े वर्जिल क्लेयर के घर से इकट्ठा करके रॉबर्ट को देते आ रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस चोरी में रॉबर्ट का भी हाथ है। और जब वो थोड़ी और छानबीन करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस चोरी में उनका दोस्त बिली भी शामिल था। जिसके बाद उन्हें सारा मामला समझ आता है कि उनकी पेंटिंग्स की चोरी कोई मामूली चोरी नहीं थी। दरअसल बिली और रॉबर्ट ने साथ मिलकर सालों से इसकी अच्छी तरह से प्लानिंग की थी, क्योंकि उन पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में थी। और सबसे बड़ी वजह इस चोरी की ये थी कि उन्होंने बिली का एक बार मजाक उड़ा दिया था ये कहकर कि कोई भी हाथ में ब्रश उठाने वाला पेंटर नहीं कहलाता, जिससे बिली को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो खुद भी एक पेंटर था। पर वर्जिल ने उसकी पेंटिंग्स की कभी कदर नहीं की थी। और वर्जिल को इस बात से और भी ज्यादा शौक लगता है जब उन्हें पता चलता है कि असली क्लेयर वो नहीं थी जिससे वो प्यार करते थे, बल्कि उस रेस्टोरेंट में बैठी वो फिजिकली डिसेबल्ड लड़की थी जो हर वक्त उस मेंशन को घूरा करती थी, क्योंकि वो मेंशन उसी का रहता है जिससे बिली और रॉबर्ट ने कुछ वक्त के लिए उधार मांगा था और अपनी लाई हुई लड़की को क्लेयर बनाकर वर्जिल से इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि डॉक्यूमेंट्स देखते वक्त वर्जिल को कोई शक ना हो। जिसके बाद इतने बड़े फ्रॉड की वजह से वर्जिल कुछ वक्त के लिए बीमार पड़ जाते हैं। पर जब वो ठीक होते हैं तब एक आखिरी बार अपने प्यार को आजमाने के लिए उस जगह पर जाते हैं जिसके बारे में क्लेयर ने उनसे बात करते वक्त जिक्र किया था और उनसे ये कहा था कि उनके बीच चाहे जो भी हो जाए वो उनसे प्यार करना
कभी बंद नहीं करेगी। पर वर्जिल का भरोसा टूट जाता है क्योंकि वो उस जगह पर पहुंचकर क्लेयर का इंतजार करते रह जाते हैं, पर क्लेयर वहां नहीं आती और मूवी यहां खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हां, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।